तहरीके इंसाफ को लाहौर में पावर शो की इजाजत, मकाम तब्दील। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के बजाय कान्हा के मकाम पर 44 शराइत के साथ जलसे की इजाजत दे दी। जलसे का वक्त दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे मुकर्रर। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी कंटेनर्स आ गए। मीनार पाकिस्तान के 6 दरवाजों को ताले लगा दिए गए, पुलिस भी तैनात। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान गुजर की मीनार पाकिस्तान आमद, लाहौर जलसे की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मीना खान के पुशअप्स की वीडियो वायरल। ये लोग जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और आजादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, बानी पीटीआई का ऐलान। कहा, दुनिया में क्या कभी किसी ने जलसा खत्म करने का वक्त दिया है। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि हुकूमत जलसे की इजाजत नहीं देगी तो हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पता नहीं पंजाब हुकूमत को मीनार पाकिस्तान में जलसे से क्या खौफ है। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बरपा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर इतलाक पंजाब आसमा बुखारी का रद्द अमल, कहा किसी सियासी जमात को जलसे से नहीं रोका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह 5वें नंबर वाले जज जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया है। तमाम तरामीम और इस्लाहात अवाम के मफाद में की गई। अता तारर की गुफ्तगू, कहा अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस जरूरी था। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। और इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशस्तों से मुतालिक आज भी फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का 4था इजलास भी बेनतीजा खत्म। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला, लीगल टीम ने ब्रीफिंग में बताया। पीटीआई का मखसूस नशस्तों पर हक नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा होने का इम्कान।